Hello, good morning to all of you. You are most welcome to the online classes of NRPS here. तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने लेक्चर 3 में टेक्स्ट बुक को रीड किया था और लेक्चर 4 में हम लास्ट जो पैराग्राफ है उसके बारे में बात करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कश करेंगे. ओके, तो जो लास्ट पैराग्राफ है इसका वो है be lifted off the bed. We lifted से dustbin तक. ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ोगे and that tells about the Indian culture and the customs which our country follow. देखिए, you know well what happens after death. When someone goes to death, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है? मर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? बेड से नीचे उतार लेते हैं और प्रोसेसिंग कर की तैयारी करते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं. एंड द सेम पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ वही बात बताएगा. आप देखिए, वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उसको नीचे उतारा. ऑफ करना, O double F, ओके, एंड इट इज कस्टमरी, ये रिवाज है. जब कोई मर जाता है तो उसको बिस्तर, उसको चारपाई से नीचे उतार लेते हैं, उसको बेड से नीचे उतारते हैं. लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन पर लिटाया, उसको जमीन पर लिटाया. एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उसको लाल कफन से ढक दिया. देखो, श्राउड शब्द का मतलब होता है कफन है. कफन, जब कोई मर जाता है तो उस डेड बॉडी पे कवर करते हैं. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मौर्निंग, एक टर्म और है मौर्निंग, MOURNING, मौर्निंग का मतलब होता है रुदन, रुदन करना यानी रोना. जब कोई मर जाता है तो हम रोते हैं, ठीक है. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग बी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, यानी दादी माँ को छोड़ दिया और उसकी तैयारी में चले गए. सो इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर, शाम को उसके कमरे में गए काठी लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रिमिनेटेड, उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो सूर्य अस्त हो रहा था और उसका जो कमरा था वो गोल्डन लाइट से चमक रहा था. एंड बी स्टॉप्ड हाफ इन बे इन द कर्ट यार्ड, और हम आंगन में रुक गए. ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कर्ट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी जहाँ उसको लिटाया वहाँ से लेके वहाँ तक हजारों पक्षी चिड़ियाँ हैं वो आ गईं. देयर वर नो चर्पिंग, अब कोई चहचहाट नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, तो हमको काफ़ी बुरा लगा, तो माँ उनके लिए कुछ चपाती के टुकड़े लेके आई. सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उसने छोटे छोटे टुकड़े किए. एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे दादी माँ टुकड़े करती थी चपाती के. एंड थ्री इट टू दैम, और टुकड़ों को उनको फेंक दिया. द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने भोजन पर चपाती की टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया. एंड वी वैन बी कैरिड अवे माई ग्रैंड मदर स्कॉर्पस ऑफ द फ्लू अबिस क्वाइटली, और जब वो दादी माँ की डेड बॉडी को ले गए तो सारे पक्षी चुपचाप से उड़ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सर्व द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने उन टुकड़ों को साफ करके और डस्टबिन में डाल दिया. तो ये था द पोटेटो फॉलेडी का टेक्स्ट. ओके, अब मैं देखो आपसे बात करूंगा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली तो है नहीं, और क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं. ओके,
तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मेंशन करना है आपको थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, यानी ऑथर्स के साथ में ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में जो तीन फेज थे, तीन फेज कौन कौन से थे उन पर आपको चर्चा करेंगे। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, और ये बात करेंगे जब वो विदेश जाने से पहले। तो कौन कौन से थ्री फेज थे, एक तो वो उसका चाइल्डहुड की बात करेंगे, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये तीन फेजेस हैं। अच्छा, द रीजंस वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड देन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी अलोन, यानी तीन रीजन आपको देने पड़ेंगे कि डिस्टर्ब क्यों हुई वो दादी माँ। देखो मैं बात करता हूँ पहले तो, थ्री रीजंस, एक तो थ्री फेजेस, कौन कौन से थ्री फेज हुए, एक थ्री फेजेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप, ऑथर्स रिलेशनशिप, एक तो चाइल्डहुड है उसका, और दूसरा टीनेज, और तीसरा एडल्टेज। तो चाइल्डहुड में तो वो विलेज का है कंसर्न, विलेज लाइफ है उसकी। टीनेज में स्कूल लाइफ इन सिटी, और यहाँ पर उसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यहाँ पर उसकी विश्वविद्यालय की शिक्षा है, ये तीन फेजेस हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे थ्री रीजंस why the author's grandmother was disturbed, यानी दादी माँ डिस्टर्ब क्यों थी, तीन रीजन देंगे। फर्स्ट थिंग, शी डिड नॉट लाइक व्हाट दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल्स, अंग्रेजी स्कूल में जो शिक्षा मिलती थी उसको वो लाइक नहीं करती थी। दूसरा, सी डिड नॉट लाइक द म्यूजिक पसंद नहीं था उसको, एज इट मेंट ओनली फॉर हार्लॉट्स एंड बैकर्स। अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर, म्यूजिक केवल बैकर्स के लिए बना था और वैश्याओं के लिए बना था, और देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, ये तीन रीजन हैं। ओके, थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। तो थर्ड पॉइंट, तीन
तीन बातें हमको बतानी है, राइट। आप इसको कर सकते हो घर पे, थ्री रीजन, थ्री वेज, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज। After he grew up, तो first spinning wheel, second feeding the sparrows, and third reciting prayers। ये तीन तरीके थे। और चौथा है ऑड बिहेवियर, द ऑड बिहेवियर। इन विच द ऑथर In which the author's grandmother behaved, just before she died, यानी मौत से ठीक पहले उसने जो odd behavior किया था वो क्या था? तो इसका answer होगा she did not pray. She got an old drum. She collected the women from the neighborhood . She started to sing home the songs of homecoming warriors. Homecoming warriors, and the ways in which the sparrows expressed their sorrow. Fifth point, the way in which the sparrows expressed their sorrow. When the author's grandmother died, तो इसका क्या होगा आंसर? They were silent. They did not eat the bits of chapatis. ओके, ये था अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अब है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें क्या है, टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग। आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप अपने अब से बात करो। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। यानी आपको कैसे पता चलता है कि ऑथर की जो दादी माँ थी वो एक रिलीजियस लेडी थी? तो आप समझ सकते हो, आप लिख सकते हो कि सी वॉज ऑल सी कुड
be seen reciting prayers and she used to go to temple with the author when he was child. ये बातें आप बता सकते हो. और एक describe the changing relationship between the author and his grandmother. तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे कैसे चेंज होती हैं आपको बताना पड़ेगा. तो मैंने पहले ही बताया था चेंज जो है वो माइग्रेशन सिटी माइग्रेशन की वजह से है. द चेंजिंग चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वाज बिकॉज ऑफ द मूविंग टू द सिटी एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट बिटवीन देयर फ्रेंडशिप. एक क्वेश्चन है वुड यू एग्री द दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर. क्या आपको लगता है कि दादी माँ का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा स्ट्रांग वीमन थी. हाँ एक थॉट था जब वैन सी केम टू द रेलवे स्टेशन जस्ट टू से गुड फेयरवेल टू द ऑथर वैन ई वेंट टू अब्रॉड. तो जब लेखक विदेश गया था तो दादी माँ उसको छोड़ने आई थी तो उसने बात नहीं की थी. और afterwards he returned to his country and she also did not talk to the same time. जब वो वापस आया तब भी उसने से बात नहीं की. तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की महिला थी वो. एंड हैव यू नोन समवन लाइक द ग्रैंड मदर डू यू फील द सेम. क्या आपने दादी माँ उस जैसी दादी माँ कोई और देखी है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो. अगर आपने आपके आपकी दादी माँ हो या आपके आसपास में कहीं भी आपने कोई ऐसी महिला देखी हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो. और हैव यू नोन समवन लाइक हो गया. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज की बात करते हैं. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज इसमें क्या है. विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड ग्रैंड मदर यूज वाइल टॉकिंग टू ईच अदर. आपको क्या लगता है दादी माँ और लेखक जब एक दूसरे से बात करते थे तो कौन सी भाषा में बात करते थे. तो आई थिंक वो मदर टंग में बात करते थे. क्यों. बिकॉज ग्रैंड मदर डिड नॉट नो इंग्लिश लैंग्वेज. ओके विच लैंग्वेज डू यू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली. यानी आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में कौन सी लैंग्वेज बात करते हो. तो आप खुद जानते होंगे आई थिंक वो मदर टंग में बात करते होंगे आप. हाउ वुड यू से अ डिलैपिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज. यानी ड्रम को आप कैसे बोलोगे. आप हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको. ढोलक ओल्ड ड्रम. कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग. आपको कोई आता है क्या गीत. क्या आपको ऐसा गीत या कोई पोएम आती है जैसे दादी माँ ने गाई थी. वैसे दादी माँ ने कौन सी गाई है हमें बताया नहीं है. फिर भी अगर कोई आप जानते हो तो आप लिख सकते हो. ओके वर्किंग विद वर्ड्स. तो नोटिस द फॉलोइंग यूजेज ऑफ द वर्ड टेल. देखो टेल का अलग अलग मीनिंग क्या है. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी. मणका चलाने में अर्थ आ रहा है. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स बताने के अर्थ में आ रहा है. एंड एट हर एज वो नो वन वन कुड नेवर टेल. समझ नहीं सकता. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में इसका यूज़ किया जा रहा है. तो ये था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. आप क्वेश्चन आंसर्स और कर सकते हैं उसके. ओके थैंक यू वेरी मच.